हाय गाइस, आज हम अनबॉक्स करेंगे ये नहीं, ये वी आर गोइंग टू अनबॉक्स दिस एंड दिस इज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट। इसको अनबॉक्स करते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट। मैं अपना चाकू ले रहा हूँ। अरे ये खुला ही नहीं, एक सेकंड, माय बैड। लेट्स गो। आरओजी स्ट्रिक्स, इसको अभी करेंगे अनबॉक्सिंग। स्टार्टिंग ऑफ विद द पैकेज, इंटेल इनसाइड का आपको यहाँ पे मिल जाता है। इंटेल 13 जेन सीरीज है इसमें, एंड आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का सब्सक्रिप्शन, एंड रेस्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इट्स ऑल बार कोड्स एंड डूज एंड डोंट्स। बाकी इसका देखते हैं, इसका अनबॉक्सिंग। इसमें आपको आरओजी बैज्ड हैंडल मिल जाता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Oh yes, this is your laptop. For those who dare, or again for those who dare, और इसमें arrow दिया हुआ है, so arrow से हम start करेंगे। As you do this, laptop ऊपर आ जाता है, and starting. इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस, कॉम्पैक्ट बॉक्स कंटेंट्स में आपको मिल जाता है चार्जर, दिस इज द ब्रिक अडैप्टर, दिस इज योर केबल 3-pin, और बाकी इज जस्ट बेसिक पेपर एंड मैनुअल्स। ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आपको बॉक्स में, ऑफ कोर्स लैपटॉप मिलता है, सो दैट्स वन थिंग यू आर गोइंग फॉर यहाँ पे। सो दिस इज योर आरओजी लैपटॉप, एंड इसमें आपको स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा यहाँ पे ये डिज़ाइन है, एंड ये ट्रांसलूसेंट डिज़ाइन है, एंड बिकॉज यू नो व्हाई इट्स ट्रांसलूसेंट, बिकॉज ये सारा आरजीबी लाइटिंग है। सो आरओजी स्ट्रिक्स का यूजुअली यू सी दिस डिज़ाइन फॉर्मेट वेयर दे हैव आरजीबी लाइटिंग ऑन द बेस, and this is another one of those instances, and yahan pe intelligent cooling ka badging mil jata hai, there's a different panel for this, ye of course hum log baad mein aapko batayenge full review mein kya hai। Input ports mein aapko HDMI port mil jata hai, thunderbolt 4 ports mil jata hai, there's a 3.5mm jack as well, and ye hai aapke vents, cooling vents yahan pe and yahan pe, cooling pe bahut zyada focus kiya hai inhone। There's a normal LAN cable port, there's a DCIN port, and यहाँ पे आपको USB-A ports मिल जाते हैं। I think these are USB 3। So starting off with the design, इसमें जैसा आपको ये design मिल जाता है, इसमें भी ROG का design है, there's ROG का logo इसमें, so this logo also glows, I'm guessing यहाँ पे आपको plastic के vents मिल जाते हैं, and light bar वगैरह तो आपने देख लिया। Let's open this. So initial impressions, this is a 16-inch panel, 16-inch panel on a 15-inch chassis, and this is the new design structure that most companies are adopting, including MSI and Asus as well. So इसमें आपको, this is a 15-inch का chassis, but if you can see very closely, the bezels are absolutely non-existent, बहुत छोटे bezels है, the only like the thickness is here because यहाँ पे आपका mic है, mic का array है, यहाँ पे आपको 3 mics, microphones मिल जाते हैं, and there's one webcam, बाकी आपको keyboard देखते हैं, keyboard भी again, this comes in a I think it's a polycarbonate panel, and it's a translucent panel, आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा अंदर आपको क्या क्या चल रहा है, प्लस ये कीबोर्ड, ये कीपैड जो है टच पैड इज डिफरेंट, ये टच पैड पे आप नंबर्स वगैरह भी आ जाते हैं, इट्स एज यूजुअली दिस इज Asus का फीचर्स, मोस्ट Asus लैपटॉप्स यूजुअली ऑन द हाई एंड प्रीमियम वर्जन जो होते हैं तो उनमें यू हैव टच पैड्स एंड ऑल। तो इसमें आपको इंटेल कोर i9 मिल रहा है, इंटेल कोर i9 13 जेन विच इज द लेटेस्ट, एंड इसमें GeForce RTX 4090 ग्राफिक्स मिल रहा है। तो इसका डिस्प्ले, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, सो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। सो इसका डिस्प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इसका एक नेबुला सर्टिफिकेशन विच इज़ फ्रॉम Asus's ओन प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेशन है, सो ये नेबुला सर्टिफाइड है, सो इट गिव्स यू अ हायर कलर बैकग्राउंड वगैरह, एंड ऑल्सो इट्स बिकॉज
100% DCI P3 कलर कैम है। सो इट्स वन ऑफ द बिगर फीचर्स ऑफ दिस लैपटॉप। इसका डिस्प्ले पे बहुत फोकस है, इसका कूलिंग पे बहुत फोकस है। कूलिंग पे इसका है 15% लोअर CPU एंड GPU टेम्परेचर्स, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। NVIDIA एडवांस्ड ऑप्टिमस इसमें आपको मिल जाता है, एंड ऑल्सो इट कम्स विद मैक्सिमाइज्ड एयर फ्लो। सो आप देख रहे हैं जैसे इसका पूरा बिल्ड में जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह वेंट्स है, एंड इट ऑल्सो गेट्स कूलिंग एफिशियंसी बूस्ट मिलता है इसको, एंड ऑल्सो इट्स truly silent according to Asus. Let's see, ये हम लोग review में हम लोग test करेंगे whether it's silent or not. And बाकी features में I think these are all the features that we have discussed about. Also, there's one more thing that we want to talk about is its, I forgot, the Gorilla. I'm sorry, not Gorilla, Godzilla, my bad. So, इस 330 watt के adapter के साथ सोचिए कितना power मिलेगा इस laptop को. So, Asus is providing this with the laptop in the box. So, ये रहा हमारा अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। दिस इज द ROG Strix 16 Strix Scar 16 ऑफ ब्लैक कलर में, एंड फॉर द फुल रिव्यू प्लीज स्टे ट्यून्ड टू गैजेट टाइम्स। हम बहुत जल्द इसका रिव्यू लेकर आएंगे। थैंक यू।